आशुतोष पाठक जी का एक सवाल है सुजलॉन के बारे में। अभी हाल ही में तो बात हुई है, सुजलॉन आरी का शेयर कब बेच सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो अच्छा, इनकी नज़र है बेचने पे, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये ध्यान दे रहे हैं क्या? कोई नया अपडेट है तो बताइए इसमें सुमेश। देखिए, ये सुजलॉन राइट एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सुजलॉन आर ई लिखा है इन्होंने, जी, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो। देखिए पटेल जी, ऐसा है कि राइट एंटरटेनमेंट एंटाइटलमेंट ऐसी चीज है कि आपको या तो राइट एक्सरसाइज करना चाहिए या एक्सटिंग्विश करना चाहिए। इसको आप लैप्स होने देंगे तो आपका नुकसान है, तो वो आप एक ध्यान रख लेंगे अपने आर ई वाले शेयर का। आजकल के तारीख में तो आपको डीपी में उसमें ऑप्शन भी मिलता है, आरई जो सेल जो प्राइस होता है उस पे सेल कर सकते हैं आप। तो आरई पे मेरा कोई व्यू, राइट एंटाइटलमेंट पे कोई व्यू नहीं बन सकता, क्योंकि उसका अंडरलाइन सुजलॉन है, उस पे जरूर व्यू ले सकते हैं। और उसमें फिर से ब्रेकआउट हो गया है एट 24.5, जो सपोर्ट बना उसके बाद ब्रेकआउट हो गया 27 के ऊपर। तो नाउ हमारे पास बहुत क्लियर कट लेवल है 24.5। वो लेवल जब तक होल्ड करता है तब तक ये स्टॉक ऊपर चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा पता नहीं, अभी फ्रेंजी है हर जगह। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी सब कुछ चल रहा है, तो फ्रेंजी में जहां तक चले चलेगा। जी, लेकिन इसको थोड़ा और समझाइए कि ये आरी जो है इनके पास, इसका विंडो इनके पास कब तक खुला है, और इसके बारे में फैसला लेते समय इन्हें क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं? देखिए, कब इसका मुझे पता नहीं है, इसका सुजलॉन मैं ट्रैक नहीं करता ना, तो मुझे नहीं पता इसका विंडो कब तक खुला है। लेकिन राइट राइट शेयर्स क्या हैं? आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, आपको कंपनी कह रही है कि आप और शेयर सस्ते दाम पे ले सकते हैं, आपका वो हक बनता है, तो आपको वो प्रेफर्ड सर्विस कंपनी दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि सुजलॉन में यहाँ से काफी अपसाइड हो सकता है, तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज करके सस्ते दाम पे सुजन के और शेयर ऐड कर सकते हैं, जितनी आपकी एंटाइटलमेंट हो, बेस्ड ऑन दी जो राइट्स रेशियो कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया एक्सरसाइज, तो क्या होगा? जब यही शेयर एक्स राइट जाएगा, तो फिर उसके बाद इसका प्राइस नीचे आ लेकिन जाएगा मार्केट। इनका नया कोई राइट इश्यू आया है क्या? क्योंकि एक इनका राइट इश्यू तो अक्टूबर 2022 में बंद हो गया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता, इन्होंने जो सवाल लिखा है मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, इन्होंने आर ई लिखा है, और जी आर ई का मतलब होता है राइट एंटाइटलमेंट। बाकी मुझे बिल्कुल पता नहीं इसके बारे में। जी चलिए, अब तो फिलहाल इसको और देख समझ लीजिए और जानकारी दीजिए, मतलब अपना सवाल थोड़ा और अगर आप विस्तार से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको इस पर राय दी जा सकेगी।